हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडीज़ बस। इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस एवरीडे क्विज क्विज़ वन का है। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टू इजी हैं और कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट टू टफ हैं। सो इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पिक्चर्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे उसे, ताकि उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आगे आपको फ्यूचर में मिले तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेटन वुड्स जुड़वा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है IMF और विश्व बैंक, IMF और WTO, विश्व बैंक और गेट, IFC और विश्व बैंक। तो अगर आपको ब्रिटेन वुड्स सिस्टम या ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के बारे में पता होगा तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। इसका आंसर है IMF और वर्ल्ड बैंक। तो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा जान ले। 1944 में यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व की स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए ये अमेरिका के न्यू हैप्शर के वेट्स वुड्स एक जगह है, ब्रिटेन वुड्स जगह है, उस जगह में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन में जो भी मेंबर्स थे, उन मेंबर्स के लिए उनके लाभ और घाटे जो हुए उस वर्ल्ड वॉर के समय में, जो भी मेंबर्स इसके उसके बाद जो मेंबर्स बने, उन मेंबर्स के लाभ और हानि से निपटने के लिए इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में IMF की स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, उसकी भी स्थापना की गई थी। तो 1944 में ये हुआ था और IMF और वर्ल्ड बैंक को, यानी कि IBRD को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी राणा सांगा, बी बाबर और राणा सांगा, सी इब्राहिम लोदी और मेदनी राय, डी है बाबर और मेदनी राय। तो खानवा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस युद्ध के बाद एक तरीके से जो मुग़ल साम्राज्य है, मुग़ल साम्राज्य की नींव बहुत स्ट्रांग हो गई इंडिया में, और यह जो युद्ध लड़ा गया था वह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। और राणा सांगा जो था, राणा सांगा भारत में राजस्थान का राजपूत शासक था, और यह चित्तौड़ का राजपूत शासक था, और यह मेनली भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहता था। इसलिए बाबर का जो प्रथम युद्ध था पानीपत का 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में, उस युद्ध में यह तटस्थ रहता है। मतलब जो पहले एग्रीमेंट हुआ था इसका राणा सांगा का बाबर के साथ कि यह उसके किसी भी युद्ध में उसकी सहायता करेगा, वह उस युद्ध में उसकी सहायता नहीं करता है 1526 में। और खानवा का युद्ध होने का एक और रीज़न यह भी था कि राणा सांगा बाबर को दिल्ली का बादशाह नहीं मानता था, और राणा सांगा की महत्वाकांक्षा बहुत अलग थी। उसे लगता था कि फर्स्ट युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, बाबर लौट जाएगा अपने देश, लेकिन वह नहीं लौटा, और उसके बाद राणा सांगा को उसके साथ युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध में राणा सांगा हार जाता है, और जिसके बाद भारत में एक तरीके से मुग़ल साम्राज्य की नींव बहुत ही अच्छे से बिछ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किस क्वेश्चन में असत्य, नहीं या गलत पूछ रहा है। बहुत बार एग्जाम में गलती हो जाती है। ऑप्शन है एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा का सभापति होता है। GV मालवंकर लोकसभा के पहले स्पीकर थे, और D है लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। अगर आपने संसद चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में सारी जानकारी होगी आपको। तो इसमें डी जो है वो गलत है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलवाता है, बल्कि प्रोटेम स्पीकर उसको दिलवाते हैं। प्रोटेम स्पीकर उसे कहते हैं जब भी कोई नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो मेनली प्रोटेम स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, लोकसभा
कि अध्यक्ष का जो इलेक्शन होता है उसकी तारीख राष्ट्रपति जरूर तय करते हैं लेकिन उसको शपथ नहीं दिलवाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में है कि जब भी ज्वाइंट सेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का, जब भी संयुक्त वो होगा तो उसमें उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति एक तरीके से राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है सॉरी, क्योंकि जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं लोकसभा के उनके नाम भेजे जाते हैं राष्ट्रपति के बाद और वो उनकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोपोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है? स्थानों और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन, बाल और उसके विकारों का अध्ययन, चंद्रमा के आकार और उसकी विशेषताओं का अध्ययन, धार्मिक मोक्ष का अध्ययन। बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है कि टोपोलॉजी एक वर्ड है या टोपोलॉजी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो स्थान और प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन को हम टोपोलॉजी कहते हैं, इसमें किसी एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेमलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऐसे दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो, गुलाम माता पिता का बच्चा, या गुलाम माता पिता के गुलाम बच्चे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये टर्म जो है ये हिस्ट्री का टर्म है, काफ़ी पुराना टर्म है जिसे एग्जाम में क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा कार्य सेबी का नहीं है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन है निवेशकों के हितों की रक्षा करना, शेयर बाजार में दलालों का पंजीकरण करना, सी नकद आरक्षण अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो में परिवर्तन करना, डी विदेशी संस्थागत निवेशों FII को प्रतिभूति बाजार में निवेश की अनुमति देना। तो बहुत ही अगर आप ध्यान से पढ़ें या आपने RBI के बारे में पढ़ा हो या सेबी के बारे में पढ़ा हो तो आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे। CRR जो है, CRR के रेट में परिवर्तन, कैश रिजर्व रेशियो में जो परिवर्तन होता है वो RBI द्वारा किया जाता है, सेबी द्वारा नहीं किया जाता है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेबी का ये कार्य नहीं है, RBI का कार्य है। सेबी के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानने लायक हैं वो ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो 1988 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और यह संवैधानिक निकाय नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टेटूटरी बॉडी है, यानी कि 1992 में इसको स्टेटूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके अलावा चार और इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और अहमदाबाद में। इसके जो फंक्शंस हैं यानी कि कार हैं, चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो आपको ध्यान रखने चाहिए। चार जो इसको कार है, रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, माल प्रैक्टिसेस को एक तरीके से सिक्योर करता है, इन्वेस्टर को एजुकेट करता है और सिक्योर्स द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक शाखा नहीं है? तो रिवर सिस्टम से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन मैक्सिमम लोग इसे गलत कर देते हैं। ऑप्शन है हुगली, पद्मा, पशुर या यमुना। थिंक अबाउट इट कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन इसकी शाखा नहीं है, ये यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि इसकी सहायक नदी कौन है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसकी शाखा कौन नहीं है। शाखा मीन्स गंगा नदी की ब्रांचेज कौन सी नदी नहीं है। इसको एक पिक के माध्यम से आप समझिए अच्छे से। ये देखिए जहाँ पे कर्सर है, गंगा नदी यहाँ से निकलती है हिमानी हिमाद्री से, और यमुना जो है वो उसके पैरेलल एक तरीके से बहते हुए आती है। तो गंगा नदी का ये कोई ब्रांच नहीं है, कोई शाखा नहीं है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, ठीक है, जो इसके दाएं साइड से आकर के मिलती है। गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो इसमें गोमती, उसके बाद घग्गर, गंडक, सोन, सोन जो कि दाहिने छोर से मिलने वाली एक तरीके से पठारीय क्षेत्रों में बहुत बड़ी नदी है, गंडक, कोसी, बिहार का सोक जिसको हम लोग बोलते हैं, और यही आगे जा करके पद्मा और हुगली में बट जाती है। मीन्स गंगा जो है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा पद्मा के रूप में और हुगली के रूप में, जो इसमें ऑप्शन है पद्मा और हुगली, यानी कि पद्मा और हुगली इसकी शाखा बन जाती हैं, लेकिन यमुना जो है ये इसकी सहायक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है? ऑप्शन है नीलगिरी श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, कार्डमम श्रेणी, नल्लामला श्रेणी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जो चारों ऑप्शंस हैं यह भारत के दक्षिणी भाग के पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नीलगिरी श्रेणी। दोड़ा बेटा जो है वो साउथ की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत श्रेणी की। आप इस मैप में देखिए, सबसे जो अगर हम एक तरीके से भारत के दक्षिणी पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो वह कार्डेमम हिल्स हैं, कार्डेमम यानी कि इलायची की पहाड़ी जिसको बोला जाता है। उसके बाद अन्नामलाई आता है, पालिनी हिल्स है, जावेदी है, ये बहुत सारी हिल्स हैं। और ये जो दोडा बेटा है ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, और उसके बाद जो सेकंड है वो अनाई मुडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जोरहट, दार्जिलिंग, मुनावारी, शिवासागर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कुछ समय पहले यानी कि पिछले साल ही, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उस समय इसे भारत का सबसे बड़ा एक तरीके से विलेज आइलैंड घोषित किया गया था। तो इसका आंसर है जोरहट। मजोली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन असम, यानी कि रिवर आइलैंड, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड वो भी पूरे विश्व का। आप इस मैप में देखेंगे तो इस मैप में जोरहट जो जिला है, जोरहट जिले के अंतर्गत ही माजुली रिवर आइलैंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन है, ऑप्शन है गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। ध्यान से सोचेंगे तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। सो द आंसर इज गुप्त वंश। गुप्त वंश जो है उसको एक तरीके से गोल्डन एज माना जाता है इंडिया का, और इस समय जो कालिदास जो कि ग्रेट स्कॉलर थे, आर्यभट्ट, वात्सायन, ये सभी लोग गुप्ता इरा में निवास करते थे। गुप्त, आप मैप में देखेंगे, गुप्ता जो डायनेस्टी था वो इस एरिया में राज करता था। सोने के सिक्के बहुत फेमस थे इस टाइम के, वाकटक इसके नीचे हैं, पल्लव, उसके बाद कदम्स, ये सब। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन पिक्स की, जो आपको आगे मदद करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी रिफॉर्म और एक्ट्स आए हैं उन एक्ट्स से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ऑप्शन है 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट द्वारा, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। सो इसका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें है भारतीय परिषद अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम। अगर आप समझ पाए कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो भारत सरकार अधिनियम को हम एक तरीके से भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम भारत में तीन हुए, एक 1857 के विद्रोह के बाद जो नियम बना, जो अधिनियम बना, वो भारत शासन अधिनियम बन गया। और उसके बाद 1919 में यानी कि 1919 और 1935 में जो अधिनियम आया वो भी भारत शासन अधिनियम था। और भारत का जो संविधान बना उसमें मैक्सिमम आर्टिकल, मैक्सिमम चीज़ें 1935 की एज इट इज़ ली गई थी या उसमें कुछ सुधार करके। और भारत परिषद अधिनियम जो है वो 1861, 1892 और 1909 को भारत परिषद अधिनियम बोला जाता है। चार्टर एक्ट 1833, आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हम लोग आज़ादी से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके क्वेश्चंस जानते हैं किन्होंने की, लेकिन उसके बाद का सवाल एग्जाम में पूछता है। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे बी कृपलानी, डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया, सरोजनी नायडू। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया। तो आज़ादी के बाद जो पहला अधिवेशन हुआ था वह 1948 में हुआ था जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी है? ऑप्शन है गिबेरेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन। सो द आंसर इज साइटोकाइनिन। इसमें भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक एंजाइम का नाम बताएं जो वसा को पचाने में मदद करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन है लाइपेस, सुक्रस, माल्टेज और फ्रक्टोज। इसका आंसर हो जाएगा ए, लाइपेस। वसा जो कि है यानी कि फैट लिपिड होता है और उचित पोषण के लिए आवश्यक तीन प्रमुख खाद्य समूहों में से एक माना जाता है, और वसा को पचाने के लिए जो एंजाइम आवश्यक होता है वो होता है लाइपेस। निम्नलिखित में से किस अधिनियम की जवाहरलाल नेहरू ने यह कहकर आलोचना की थी कि बिना ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन सॉरी सिर्फ ब्रेक वाली मशीन जिसमें इंजन नहीं है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय कौंसिल अधिनियम 1909। कौंसिल को ही हम लोग बोलते हैं परिषद, जो हमने आपको बताया कि भारत परिषद अधिनियम 3 है, 1861, 1892, 1909। तो इसमें आंसर हो जाएगा 1935, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बिना ब्रेक वाली मशीन बोलते थे जवाहरलाल नेहरू, जिसका कोई इंजन नहीं, जिसमें इंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां बारहमासी होती है। हिमालय क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से वर्षा होती है। ये दोनों सही हैं या दोनों सही नहीं हैं? तो अगर आपने हिमालय पढ़ा होगा या रिवर सिस्टम पढ़ा होगा तो आप बहुत इजीली इसका जवाब दे पाएंगे। सो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने से बनती हैं और पूरे वर्ष इनमें से प्रवाह होता रहता है। जैसे हमारे भारत के और जो हिस्से हैं उनमें जो नदियाँ होती हैं वो वर्षा के कारण उनमें जल आता है, और वर्षा के समय में बहुत ऊपर उनका लेवल हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है, या बहुत सारी नदियाँ सूख भी जाती हैं। लेकिन ये चूंकि ग्लेशियर से निकलती हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसलिए इनमें सालों भर पानी होता है, और जो मानसून का माह होता है उसके दौरान बारिश, अत्यधिक बारिश के कारण मानसून माह के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है और नदियां बारिश पर निर्भर करती हैं, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। मतलब कि बारिश के टाइम में इनका जो लेवल है वो बढ़ते रहता है, घटते रहता है, और इन नदियों का जो एरिया है वो बढ़ने का वो बारिश पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के बारे में गलत है? ऑप्शन ए 42वें संवैधानिक संशोधन सॉरी 42वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हमारे वर्तमान संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। वर्तमान में अनुच्छेद 51(1) के तहत हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन सी पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। डी 86वां संशोधन अधिनियम कानूनी रूप से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ें वो ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, और सवाल में ये पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, क्योंकि 42वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो 1978 में नहीं 1976 में हुआ था, और साथ ही इसके बाद भाग चार नहीं बल्कि भाग चार के क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर यह जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है। ऑप्शन है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों पर संधि, प्रवाल विरंजन। ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। नागोया प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बहुत सारे एग्जाम में आजकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। सो नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता से रिलेटेड है। नागोया प्रोटोकॉल में मेनली है कि अगर भारत कोई भी जेनेटिक रिसोर्सेज के थ्रू कुछ डेवलप करता है और उसका फ़ायदा अगर दूसरे देश पे उठा रहे हैं, तो अगर दूसरा देश इसका फायदा ले रहा है तो उसको भारत के साथ भी उसका बेनिफिट शेयर करना होगा। तो जैव विविधता से रिलेटेड जो भी बेनिफिट शेयरिंग का है वो नागोया प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनता है। तो अगेन क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है वो अनुदान की
कि कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है गलत है, सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। मतलब सिफारिश राष्ट्रपति का चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? विटीकल्चर, अंगूर उत्पादन, पीसी कल्चर, प्रजनन, पालन, संरक्षण, भोजन और मछली की मेद। सी हॉर्टिकल्चर, केवल घर के प्रयोजनों के लिए सब्जी का उत्पादन। एंड डी मेरी कल्चर, समुद्री जीवों की खेती। ये टर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है कि केवल घर में प्रयोजनों के लिए सब्जियों का उत्पादन, ये गलत है। सिर्फ घर के उत्पादन के लिए नहीं होता है, आप उसका उत्पादन मार्केटिंग के लिए भी कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ सब्जियां नहीं आते हैं, फल भी आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं, मतलब सजावट, जैसे अगर हम फूल का उत्पादन कर रहे हैं या किसी ऐसे प्लांट का उत्पादन कर रहे हैं जिसका सजावट के रूप में उपयोग किया जाएगा, वो भी हॉर्टिकल्चर में आता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट वीडियो जो है उसे भी देखें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। Thank you.